हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOBT यानी गवर्नमेंट जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो लाइब्रेरियन सहित विभिन्न वैकेंसी से संबंधित हैं। इस वीडियो में लाइब्रेरियन सहित प्रोग्रामर और लाइब्रेरियन यानी दो ही पद हैं, एक लाइब्रेरियन का पद है और एक प्रोग्रामर का पद है। यदि आप लाइब्रेरियन के लिए इंटरेस्टेड हैं या प्रोग्रामर के लिए इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को ज़रूर देखें। इस वैकेंसी के लिए कोई डिटेल जानकारी है यानी जो भी डिटेल जानकारी है वो अभी मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि यह जो वैकेंसी है सरकारी नौकरी के लिए आवेदन आमंत्रित हैं, बट इसमें कहीं मेंशन नहीं है कि सरकारी नौकरी है, लेकिन जहां पे पे स्केल रहता है हम यही मानते हैं कि यह सरकारी नौकरी है। तो जो लाइब्रेरियन का पद है, लाइब्रेरियन का पद है और बसंत अरुंडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आवेदन आमंत्रित हैं। ग्रुप बी का पद है, पे लेवल L13 है और सैलरी जो है 35,900 से लेकर 1,13,500 रुपये पर मंथ। इसी तरह EDP प्रोग्रामर के लिए आवेदन आमंत्रित हैं, एक पद है ग्रुप बी में और सैलरी है 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये, तो एक अच्छी सैलरी है और इस पद के लिए। अब लाइब्रेरियन पद के लिए एज लिमिट है 27 साल और क्वालिफिकेशन MA होना चाहिए। इसके बाद जो है बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस है। इसके अलावा जो है 5 साल का एक्सपीरियंस लाइब्रेरी से रिलेटेड सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड आपके पास है तो आप अप्लाई करेंगे। EDP प्रोग्रामर के लिए डिग्री मांगा हुआ है और किन किन विषय में डिग्री होना चाहिए, स्टैटिक्स या मैथमेटिक्स या ऑपरेशनल रिसर्च या फिजिक्स या इकोनॉमिक्स या कॉमर्स या डिग्री इन इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस में है और 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट है 35 साल इस पद के लिए। अप्लीकेशन फॉर्म ऑफलाइन फिल करना है और रिसिप्ट होने की जो अंतिम तिथि है 8 अप्रैल 2024 तक आपका अप्लीकेशन फॉर्म रिसिप्ट होना चाहिए। तो इस तरह से जो डिटेल जानकारी है, इसके अलावा और डिटेल जानकारी की बात करें तो देखिए यह जो वैकेंसी जहां पे भी आया है इस संस्था का जो राइट है कि कभी भी इस वैकेंसी को कैंसिल कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, ये डिटेल इसके पास राइट है। इसके अलावा जो है कि कैंडिडेट से रिलेटेड जो है टेस्ट और इंटरव्यू जो है के लिए कोई कॉल नहीं किया जाएगा। यहाँ पे एक डिटेल जानकारी लिखा है जो मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। तो व्हाट यूर विल बी इंटरटेन फ्रॉम द कैंडिडेट रिगार्डिंग द कंडक्ट एंड रिजल्ट ऑफ टेस्ट या इंटरव्यू एंड रीजन फॉर नॉट वेइंग कॉल फॉर टेस्ट या इंटरव्यू। तो इस बात को, लाइन को आपको अच्छे से समझ लेना है कि इसमें क्या कह रहा है, उसके बाद आगे की प्रोसेस करना है। इसके अलावा है जो एप्लीकेशन फॉर्म आप सेंड करेंगे तो यदि आप सेल्फ अटेस्टेड करके सेंड नहीं करते हैं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो इसलिए सेल्फ अटेस्टेड करें। यह जो वैकेंसी है, अभी मैं संस्था का नाम बताया था आपको कि बसंत अरुंडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आवेदन आमंत्रित हैं और यह जो संस्था है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत चेन्नई में बिलोंग करता है, तो इसलिए यूट्यूब है और यूट्यूब के लिए मैं यह वीडियो बना रहा हूँ, यानी यह जहाँ पे वैकेंसी आई है इसी के हिसाब से मैं वैकेंसी जो वीडियो बना रहा हूँ। यह जो वैकेंसी कहाँ पर आया है तो क्लास्तरा फाउंडेशन जो है चेन्नई में, क्लास्तरा फाउंडेशन है चेन्नई में, यहीं पर आवेदन आमंत्रित हैं। अप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे नीचे अप्लीकेशन फॉर्म है और यह अप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा, इस चैनल के द्वारा जो वेबसाइट बनाया गया है, वेबसाइट का नाम है GOBTjobsforyou.org। इस वेबसाइट पे यह आपको नोटिफिकेशन और अप्लीकेशन फॉर्म दोनों आपको मिल जाएगा, आप इजीली तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी तरह का अपडेट होने वीडियो की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें जिससे कि अपडेट होने वीडियो की जानकारी टाइम टू टाइम आपको मोबाइल स्क्रीन पर मिलता रहे।